हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धून टेस्ट में। आज की रेसिपी होने वाली है कानपुर की बिरयानी, जो कि ये कानपुर की बहुत ही फेमस बिरयानी है और ये हर घरों में बनने वाली बिरयानी है और ये बहुत ही इजी मेथड से बनती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कानपुर की बिरयानी। सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन वॉश कर लिया था अच्छे से। अब इसमें रेड कलर का फूड कलर इसमें अच्छे से मसल मसल के आपको लगा देना है सारे पीसों में। और फिर उसके बाद में इसको 15 से 20 मिनट आपको रखना है और उसके बाद में फिर इस चिकन को दोबारा आप अच्छे से पानी में वॉश कर लीजिएगा। और मतलब खाली कलर लगा के इसको नहीं बनाना है, कलर लगाने के बाद 10 मिनट के बाद में आपको इसको वॉश कर लेना है। तो अब इधर मैंने ये बिरयानी राइस भी भिगो दिए हैं और इधर ये मैंने ऑनियन अपने ये फ्राई कर ली है। और ये फ्राई करके ऑनियन निकालने के बाद में मैंने फिर वो उसी ऑयल में इसमें मैंने थोड़ा सा ये तेज़पत्ता, लौंग, सहजीरा और बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची और सहजीरा ये सारा मैंने इसमें ये ऑयल में डाल के इसको हल्का सा फ्राई किया है। तो हल्का सा ये सारे मसालों को इसमें डालने के बाद में अथवा हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। अब फिर उसके बाद में जो चिकन हमने कलर लगा के रखा था उसको वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद में अब उस चिकन को इसी ऑयल में आपको डालना है। अब इस ऑयल में आपको डाल के आराम से इसको अच्छे से पूरे ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा चलाते रहिएगा। अब जब ये थोड़ा सा 2-3 मिनट के बाद में फिर इसमें आपको थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालना है। तो ये केवड़ा वाटर जब आप इस चिकन के पीस में आप ऐड कर देंगे तो इस चिकन से एक अलग ही एक खुशबू आने लगेगी, जो कि इस बिरयानी की ये जो मेन जो है ये तो ये इसका केवड़ा वाटर ही होता है। तो इसमें चिकन के पीस में आपको केवड़ा वाटर इसमें ऐड करना है। अब जब ये केवड़ा वाटर इसमें अच्छे से ऐड हो जाए तो फिर अब इसमें आपको कुछ मसाले ऐड करना है। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले मैंने ये पिसी हुई ये ऑनियन डालनी है। तो ये मिक्सी में आपको ऑनियन अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेना है और इस ऑनियन का पेस्ट आपको इस चिकन के पीस में ऐड करना है। तो इस ऑनियन के पेस्ट को भी आपको चिकन में डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने दीजिए। अब उसके बाद में फिर आपको इसमें 1 से 2 चम्मच ये अदरक का पेस्ट ऐड करना है और फिर उसके बाद में फिर इसमें 1 से 2 चम्मच ही इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है। अब इनको भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ताकि इसका अब ये चिकन का और इन मसालों का पानी रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके उसको भी आप अच्छे से ऐसे ही मिक्स करते रहिए और इसका पानी को आप इसको इसमें ड्राई होने दीजिए। अब फिर इसके बाद में अब हमें इसमें कुछ ना ड्राई मसाले ऐड करने हैं। तो जिसमें अब मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर लिया है। तो सबसे पहले अपना आप टेस्ट के हिसाब से धनिया पाउडर इसमें 1 से 2 चम्मच आपको डालने हैं और टेस्ट के हिसाब से इसमें आपको नमक ऐड करना है और ये मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है और ये मैंने ये पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड किया है और ये थोड़ा सा ये 1 चम्मच बिरयानी मसाला भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब बिरयानी मसाला जब इसमें डाल देंगे तो अभी सारे मसालों को चिकन में अच्छे से आपको मिक्स करना है और इसी ही मसालों में ही इस चिकन को आपको कुक करना है। इसमें और कोई आपको पानी ऐड नहीं करना है, इन्हीं मसालों के पानी में ही आपको ये चिकन ये पकाना है। तो अब जब तक यह चिकन पकता है तो फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा आपको ये दही भी ऐड कर देना है। तो ये देखिए चिकन भी आप ये पक रहा है और इसमें हमने थोड़ा सा दही भी ऐड कर दिया है। तो जब तक ये हमारा दही भी अच्छे से मिक्स करके इसी दही में इस चिकन को और अच्छे से फिर कुक करना है। तो इधर हम जब तक अपना चिकन ये कुक कर रहे हैं तब तक हम अपना अब ये दूसरी तरफ में हम मैंने एक बाउल में पानी गर्म करने को रख दिया था। इसमें मैंने एक चकरी दो फूल डाल दिए थे और इसमें 3 से 4 मैंने छोटी इलायची डाल दी है और कुछ मैंने 10 से 15 काली मिर्च ऐड कर दी है और 1 तेज़पत्ता ऐड कर दिया है और फिर इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब नमक
ऐड करने के बाद में ये जो हमने बिरयानी राइस भिगोए थे इनको इस गर्म पानी में आपको डाल देना है। तो जब ये गर्म पानी में ये चावल ऐड हो जाए तो फिर इसमें आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल दीजिएगा ताकि चावल इससे फिर खिले खिले आपके पकेंगे। तो अब इसको आप थोड़ा सा चम्मच से चला के इसको कुक होने दीजिए। इधर देखिए आपका चिकन भी धीमी धीमी आँच में अच्छे से कुक हो रहा है और तेल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो जितने अच्छे से ये आपका चिकन पकेगा उतना ही टेस्टी ये आपकी कानपुर की बिरयानी बनकर रेडी होगी। तो अब ये चिकन आपका अच्छे से पक चुका है। तो देखिए ये जो तेल आपका रिलीज़ हुआ है तो इस तेल को आप एक बॉल में कम से कम हल्का सा टेढ़ा कर लीजिएगा, जो जिस बर्तन में भी आप चिकन बनाएंगी। तो 50% ऑयल एक बॉल में आप इसको अलग निकाल के रख लीजिएगा। और जब ये सारा ऑयल मतलब पूरा नहीं निकालना है, 50% निकालना है। तो मैंने ये 50% ऑयल निकाल लिया है और 50% छोड़ दिया है। इधर ये चावल जब सारे पक जाएंगे तो अब इसका पानी आपको निकाल देना है। तो अब ये चावल मेरे पक चुके हैं 90% तक। तो 90% चावल कुक करने के बाद अब मैंने सारा पानी निकाल दिया था और आधे चावल मैंने एक साइड निकाल के रख दिए हैं और आधे चावलों के ऊपर ये चिकन की ये पूरी लेयर लगानी है। तो ये पूरे चिकन जो हमने बनाया है तो ये 50% चावलों के ऊपर इसमें ये चिकन डालना है और फिर धीमे धीमे हाथों से इन चावलों में इन चिकन को अच्छे से मिक्स करना है। और ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं चलाइएगा, नहीं तो आपके ये चावल टूट जाएंगे। तो ये मैंने धीमे धीमे हाथों से ये पूरे चावल इसमें मिक्स कर दिए हैं चिकन में। अब इसमें थोड़ी सी ये फ्राई की हुई ऑनियन इसमें ऐड करनी है और ऑनियन के बाद में थोड़े से आपको इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है। अब जब आपकी हरी मिर्च ऐड हो जाएगी तो आधे चावल मैंने निकाल लिए थे तो ये चावलों को फिर ऊपर से आपको अच्छे से फैला के लेयर लगा देनी है। अब जब ये चावलों की लेयर लग जाएगी तो फिर इसके ऊपर से आपको फिर से ये फ्राई की हुई ऑनियन फैला देनी है और ये हरी मिर्च भी इसमें अच्छे से आप फैला दीजिएगा। और जब ये हरी मिर्च ऑनियन फैल जाए तो जो हमने ऑयल निकाला था तो उसको आप लास्ट में अच्छे से फैला के इस बिरयानी के ऊपर डाल देंगी। और फिर इसको ये 5 मिनट के लिए आपको कुक भी करना है, लेकिन इससे पहले मैंने ये ड्राई ये रेड कलर इसमें डाल दिया था। तो ये रेड फूड कलर डाल के आपको इसमें 5 मिनट के लिए कुक करना है। फिर उसके बाद में एक ढक्कन मैंने इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है और इसको अब देखिए मैंने दम में रख दिया था। तो अब ये 10 मिनट के बाद में ये देखिए आपकी बिरयानी ये बनकर रेडी हो गई है। तो ये अब आपकी ये कानपुर वाली बिरयानी बहुत ही सिंपल मेथड से बनकर तैयार है। तो ये ज़्यादातर कानपुर के घरों में ये आपको इसी टाइप की बिरयानी ये मिलेगी। तो चलिए अब आपको हम लोग डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये बिरयानी खाने में बहुत ही टेस्टी बिरयानी है। तो एक बार आप लोग भी इस बिरयानी को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड से ये बिरयानी बनती है और जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी बिरयानी भी है। तो इसे आप चाहे रायते से या सैलेड से इसको आप लोग घर में बनाकर खा सकते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको खिलाइएगा। तो अगर आपको मेरी ये कानपुर की बिरयानी वाली रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसको मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा।